गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड प्लस टू वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो सेक्शन प्रोज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग. लेसन इज माय लास्ट लेसन. लास्ट लेसन मीन अंतिम पार्ट, किसी भी चीज़ का हो सकता है. टू अंडरस्टैंड इजली दिस लेसन यू कैन इमेजिन एज ए स्टूडेंट, एज ए पुनित फ्रेंच को आप एक पुनित मान सकते हैं और एम हेमल को आप जेपी सर मान सकते हैं. तो हमें ये पूरा लेसन जो बच्चा है पढ़ने वाला, एक विद्यार्थी है, वो बता रहा है कि क्या क्या घटित हुआ और ये लास्ट लेसन के बारे में क्या है. नाउ स्टार्ट अगेन. फ्रेंच इज सेइंग दैट माय लास्ट फ्रेंच लेसन एंड एक्सप्लेनेशन मार्क्स. आश्चर्य से, आश्चर्य होता है तब ये होता है सडन फीलिंग कि मेरा अंतिम फ्रांस पार्ट. वाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. हार्डली, बड़ी मुश्किल से तो मैंने पढ़ना लिखना सीखा. अभी 10-11 साल का बच्चा है और नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में 10-20 बच्चे इस प्रकार के होते हैं जिनका ध्यान पूरी तरह स्टडी में नहीं होता, खेलों में, बाहर में, और में एवरेज टाइप के बच्चे होते हैं. उसी में फ्रेंच है. आई शुड नेवर लर्न माई मोर. मुझे ज़्यादा सीखना चाहिए था. आई मस्ट स्टॉप देयर देन हो हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. वो अभी थोड़ा दुख हो रहा है उसे कि पिछले 6-7 महीने से स्टडी जारी थी और मैंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे इस बात का दुख है. फार सीकिंग बर्ड्स एग्स. क्या काम कर रहा था लेसन पढ़ने की बजाय, अंडे इकट्ठा करना एंड और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. और जब भी खाली टाइम होता था तो सार एक प्रकार का आप पार्क लगा सकते हैं, एक प्रकार का बगीचा लगा सकते हैं. वहाँ जो स्लाइडिंग कर रहा था, मस्ती कर रहा था, उसमें गवा दिया. माई बुक्स दैट हैड सीन सच ए नॉइजेंस ए वाई लगो. थोड़ी देर पहले ये जो किताबें मुझे बड़ा भार लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, उनको उठाने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा था. माई ग्रामर्स, मेरी व्याकरण, माई हिस्ट्री ऑफ संस यानी कि हिस्ट्री की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. मेरी पुरानी दोस्त थी यानी कि 7-8 महीने से मेरी क्लास में थी लेकिन मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो मैंने छोड़ नहीं सकता था. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, एम हेमल टीचर. द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज. ऐसा विचार कि आज के बाद एम हेमल मुझे दिखाई नहीं देंगे, मुझे पढ़ाएंगे नहीं, तो उनकी शक्ति यानी कि रूलर मीन उनका डंडा भी मैं भूल गया और वो मुझे स्कोल्ड थोड़ा डांटते थे, उसको भी मैंने भुला दिया. पुअर मैन, पुअर मीन गरीब नहीं, बेचारा आदमी. इट वॉज एन ओनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज. कि अपने अंतिम पाठ के लिए उस असहाय व्यक्ति ने, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जर्मनी या पर्सिया ने कब्जा कर लिया है, ऑन हिज फाइन संडे क्लोज, रविवार को जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो पहन रखे थे. नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब मेरी समझ में आ रहा है, ये फ्रेंच बेटा कह रहा है कि जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो स्कूल में क्यों आए. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर. उन्हें भी बड़ा दुख है कि गांव के हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ज़्यादा दिन स्कूल में नहीं आए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड दैट वॉज दियर नो मोर. कहने का तात्पर्य कि एम हेमल इस गांव में 40 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट देने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्हें दुख भी है कि वो पढ़े नहीं. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जबकि मैं इन सब बातों को सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपने नाम को पुकारा जाना सुना. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और ये अद्भुत था. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर. ड्रेडफुल, भयानक पार्टिसिपल कोई भी मान सकते हो, बेटे को पहला लेसन दिया, कोई आपका
लेंचो का लेसन दे दिया या कोई हिस्ट्री के टीचर ने एक लेसन दे दिया, मैथ का कोई एक्सरसाइज दे दी, और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो क्या होगा। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और मैं तो पहले ही शब्द के अंदर कन्फ्यूज हो गया और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने बेंच पर के पास जैसे भी खड़े होते हैं क्लास में, माई हार्ट बीटिंग, दिल घबरा रहा था कि अब क्या होगा, नॉट डेयरिंग टू लुक, और मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं ऊपर उठ सकूँ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को मुझे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं आज आपको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ, आप पहले बहुत पूरा मान रहे हैं, सी यू इट इज, देखो यह है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हम प्रत्येक दिन अपने आप से कहते थे कि बाहर आई हैव प्लेंटी टू टाइम, अर्थात कुछ विद्यार्थी होते हैं कि पूरा साल मस्ती करते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, आगे स्टडी कर लेंगे, आई विल लर्न इट टुमारो, कि हम अगले दिन याद कर लेंगे, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए, मीन्स अब ये फ्रांसीसी भाषा आपको नहीं सिखाई जाएगी। आह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अलसेस, अलसेस प्रदेश का नाम, राज्य जैसे हमारा हरियाणा है, तो बड़ी मुश्किल का समय है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, अर्थात आपके सगे संबंधी या हमारे जितने भी जानकार हैं कि ऐसे क्या हुआ, यू प्रिटेंड आपने दिखावा किया टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर ओन लैंग्वेज, हालांकि आप फ्रांस के निवासी हैं, अपने आप को फ्रेंच मानते हैं, लेकिन आप ठीक प्रकार से फ्रेंच भाषा को लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, अर्थात हम हिंदी को ना पढ़ सकें और ना बोल सकें तो हमें ऐसा कहा जाएगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आपके लिए बुरा नहीं है, पुअर लिटिल फ्रेंच, ये बेचारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विद, क्योंकि हम इस सब सभी भागीदार हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट नेसेस अनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि आप पढ़ें, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, अर्थात उनके माता फ्रेंड्स गरीब परिवार से संबंधित होगा, थोड़ा मीडियम परिवार से, उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो कोई काम करे खेत में या मिल में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा मिल जाए, एंड आई, और खुद एम हेल टीचर भी कहता है कि मैं भी दोषी हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इस बात का दोषी हूँ, हैव आई एम नॉट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लोअर्स, तो कई बार मैं अपने पौधे और बगीचे में पानी देने के लिए भेज देता था, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, आपके पाठ पढ़ने की बजाय, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो किसिंग, और कई बार एम हेमल भी फिशिंग के लिए या सैर के लिए चले जाते थे, यानी कि तब छुट्टी होती थी बच्चों की, तो आई डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो इसका मतलब आपकी छुट्टी रहती थी तो उसके भी हम भागीदार हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक के बाद एक उस फ्रेंसीसी भाषा के बारे में एम हेमल बताने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अंडरस्टूड है कि हर देशवासी अपनी मातृभाषा से, हर परिवार से, हर बच्चा आपसे उसको प्रेम करता है, तो वही कि फ्रांस की भाषा पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया भाषा है, सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, साफ, द मोस्ट लॉजिकल और तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमांग अस एंड नेवर फॉरगेट, ये हमारे बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात हमारी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंसल्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, क्योंकि जब दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो अपनी भाषा से दूर चले जाते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, अर्थात प्रिजन जेल होगी, अर्थात अपनी भाषा की रक्षा की एक चाबी अपने पास रखनी चाहिए, देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर को खोला, रीड अस अवर लेसन, और हमारे पाठ को पढ़ना शुरू किया, इतनी परिस्थितियों के बाद भी आप ये अनुमान लगाओ कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, और जबकि वो लास्ट में है, आई वॉज अमेज टू सी हाउ वी अंडरस्टूड, और आज फ्रेंच कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ सर पढ़ा रहे थे वो बिल्कुल ध्यान आ रहा था, क्योंकि आज उसका कंसीडरेशन टीचर पे था, फोक्स बुक्स पे था, आर ही सेड सिम टू सो इज, और अध्यापक पढ़ा रहे थे वो इतना आसान लग रहा था, आज से 5-6 साल पहले जब रोज़ाना स्कूल आ रहा था कभी समझ ही नहीं आ रहा था,
आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, क्योंकि खुद बच्चा बता रहा है कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं सुना था, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेंड एवरी थिंग विद सो मच पेशेंस। और आज उसे लगा कि टीचर भी इतना अधिक एक्सप्लेन नहीं करता था। इट सीम्ड आलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लगता था कि वो बेचारा, यानी कि टीचर को बेचारा कहा गया है, क्योंकि आज टीचर में क्या बीत रही होगी कि उसकी अपनी भाषा छीनी जा रही है। तो उन्होंने भी बड़ा वेल तरीके से पढ़ाया बिफोर गोइंग अवे, क्योंकि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। नॉट टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक का मतलब एकदम हमारे दिमाग में बिठा दिया। एफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर करने के बाद हमें लिखने का काम दिया गया। दैट डे उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल ने हमें नई कापियाँ उस दिन दी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बड़ा गोल गोल अक्षरों में लिख रखा था। क्या लिख रखा था? फ्रांस अलसेस, फ्रांस अलसेस, और बड़े अच्छे सुंदर तरीके से शब्द लिख रखे थे। फ्रांस, फ्रांस का राज्य अलसेस, फ्रांस अलसेस, दे लुक लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, और वो शब्द ऐसे लग रहे थे कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे कमरे में घूम रहा हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ हर डेस्क, रोड यानी कि कोई बेंच पर डंडा लगा है, तो उसमें भी लग रहा था कि जैसे फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि ये शब्द फहरा रही हूँ। यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपको काम करना चाहिए। हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस वर और पेपर, और बच्चा कहता कि पूरे क्लासरूम में किसी की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ कॉपी पे लिखने के काम करने की पेन की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स एक प्रकार का कीड़ा जिसको भंवरा कहते हैं, कि कमरे में भंवरे, यानी कि उस कमरे का वर्णन कर रहा है कि क्या अद्भुत नजारा था, कुछ भंवरे उड़ रहे थे। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। नॉट इवन द लिटस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ड्रेसिंग डियर फिश हुक्स, और मछली पकड़ने के हुक हैं, कि वहाँ तक भी उनका ध्यान नहीं गया। एज इफ देवर दैट वॉज फ्रेंच, यानी कि वो हुक्कों पर भी ऐसा लग रहा था कि फ्रांस शब्द लिखे हुए। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिगन्स कोल्ड वेरी लो, पिगन्स कबूतर होते हैं, और छत के ऊपर जिस तरह रोशनदार होते हैं उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे थे। आई थॉट सो माई सेल्फ, अपने आप से सोचा ये फ्रेंच बेटा ही कह रहा है। विल दे मेक दम सिंग ए जर्मन इवन द पिगन्स, उसने मन में विचार किया कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मनी भाषा बोलना सिखा देंगे, गुटरगू भूल जाएंगे और दूसरी भाषा बोलना सिखा देंगे। नाइन्थ में एक आपने लेसन देखा होगा किंगडम ऑफ कूच। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपने लिखने के बाद ऊपर देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मोशनलेस बिल्कुल आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे थे। गेजिंग फर्स्ट एट द थिंग देन द अनदर, एक एक चीज़ को वो बड़े ध्यान से देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस क्लासरूम में प्रत्येक चीज़ को, रोशनदान, डोर, अलमीरा, चेयर, सब चीज़ को, या पिक्चर्स लगी हुई थी, वो हेम हेमल टीचर एक एक चीज़ को बड़े गौर से देख रहे थे। कितना अद्भुत था। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से उसी रूम में पढ़ा रहे थे। एक अद्भुत नज़ारा। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और पिछले पासे उनका मकान था, बगीचा था, और सामने क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बोर्न स्मूथ, और वो बेटा बताता है फ्रेंड्स कि क्या बदला 40 साल में, ये जो बेंच डेस्क थी ये थोड़े से पुराने हो गए थे, अंडरस्टूड इतने होने से पुराने होंगे। द वेलनट अखरोट का एक प्रकार की बेल होती है। ट्रीज इन द गार्डन वर टालर एंड द होवाइन, और ये होवान भी एक प्रकार की बेल है। कहते हैं कि दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंट अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, कहता है कि वालन ट्रीज हैं वो बगीचे में बड़े हो गए थे, और कुछ प्रकार की बेलें होती है तो समय के अनुसार छत की तरफ चली जाती है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउट पैकिंग द ट्रंक्स, तो कितना बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि टीचर की बहन, एम हेमल की बहन पैकिंग कर रही थी, अर्थात उस गाँव को, शहर को, एम हेमल को छोड़ना पड़ रहा था, और वो आवाज़ सुन रहा था। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें कंट्री का मतलब देश, उस जगह को छोड़ना पड़ रहा था।
बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एक टीचर का कर्तव्य क्या है, इस लाइन देखो कितनी बड़ी गहरी है, यानी कि उसने अंतिम समय तक प्रत्येक विद्यार्थी को जो काम दिया हुआ था वो चेक किया। एफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, एक हिस्ट्री का लेसन ले लिया। एंड देन द बेबी चांटेड दियर बा बी बी बो बू, ये एक फ्रांसीसी भाषा सीखने का ढंग है, जिस प्रकार नर्सरी में हमारे यहाँ सिखाया जाता है ए अनार आ आम, वही स्टार्टिंग की बात है, तो ये भाषा सिखा रहा था वो। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हासर, हासर एक व्यक्ति का नाम, हैड पुट ऑन हिज सबटाइटल्ड एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, तो जो पीछे हासर बैठा था उसने भी, उसके पास कायदा था, छोटी किताब प्राइमरी में, छोटी प्राइमरी की किताब थी, और उसने भी अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों से कुछ कुछ पकड़ रखा था। स्पेल्ड द लेटर विद देम, और कुछ लिख रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप भी देख सकते हैं कि उसे भी इतनी तकलीफ हो रही थी। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और आवाज़ के अंदर कितनी करुणा थी, यानी कि कितनी मार्मिक आवाज़ थी, तो वो अपने आप को महसूस कर रहा है बेटा कि हंसने का भी दिल कर रहा था और रोने का भी दिल कर रहा था। आह हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, इसकी हम एम हैमल जिस प्रकार लास्ट दिन पढ़ा रहे थे तो उनकी आवाज़ कई प्रकार टून बदले, तो फ्रेंड्स कहता है कि ये लास्ट लेसन मुझे आज भी पूरी तरह याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने, विदेशों में क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं, तो अंग्रेजों का धार्मिक स्थान चर्च होता है, तो वहाँ पर एक घड़ी होती है जो 12 बजे का एक घंटा बजाते हैं, और मोस्टली पुराने ज़माने में कहते हैं कि 12 बजे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, वो चर्च के घंटे के अनुसार होती थी। देन द एंगल्स, एंगल्स होता है तब प्रार्थना की गई, हमारे जैसे आरती होती है, भजन होते हैं, गुरुवाणी होती है, उसी प्रकार। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियंस रिट्रीविंग फ्रॉम द ड्रिल, और परेड से अब पर्शियन सैनिक लौट रहे थे, पर्शियन आज मौजूदा वक्त में जर्मनी के सैनिक लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और उनकी आवाज़ खिड़की के द्वारा आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल जो कुर्सी पर बैठे थे, हमारे टीचर अब खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल बीन, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उदास थे, निराश थे। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, और जब कुर्सी से खड़े हुए तो बहुत लंबे मुझे लगने लगे। ये बेटा कह रहा है 5-6 साल से मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन आज पहली बार मुझे बहुत लंबा दिखने लगे, यानी कि वो प्रत्येक चीज़ को बड़े गौर से आज देख रहा था। माई फ्रेंड्स, क्या बोले कि मेरे दोस्तों, सैड ही आई आई, मैं यानी कि बोल नहीं पाया, बट समथिंग चौपड़ ही, और कुछ चीज़ उसके गले में फंस गई, ही कुड नॉट गो ऑन, और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो वो वापस ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। बीरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ, ही वोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो लिख सकता था। क्या लिखा पूरे ब्लैक बोर्ड पे, वीव ला फ्रांस, कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्कोप्ड एंड लीन हिज अगेंस्ट द वॉल, तब अपने सिर अपनी दीवार के साथ उसने टिका दिया, जैसे ब्लैक बोर्ड के साथ। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, बिना बोले उसने हाथ से अपना इशारा किया, गेस्चर इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि आज स्कूल ख़त्म हो गया है, यू मे गो, अब अपने अपने घर जा सकते हैं। कि मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट लास्ट लेसन प्रत्येक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। किसान समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाता, और लास्ट में फसल होती है तो उसे बड़ा तकलीफ होती है कि उसने समय पर काम नहीं किया। इसी प्रकार शॉपकीपर, इसी प्रकार सर्विसमैन, और इसी प्रकार विद्यार्थी जो प्रॉपर काम नहीं करते और लास्ट दिन यानी कि पूरा समय गवा दे दे रहे हैं, और लास्ट दिन उन्हें महसूस होता है कि 1 साल का समय बाकी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सो रीड अगेन एंड अगेन, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।